छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तकलीफ होती है, पानी भर जाता, कीचड़ हो जाता है, आते सब देखकर जाते, करता कोई कुछ। पूरा सबके घरों घरों में इतना इतना पैर पैर तक का पानी होता है, कम्बर कम्बर तक रूमों में भर जाता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। मुंब्रा कौसा में ज्यादातर नालों की साफ सफाई अभी भी नहीं हुई है। रशीद कंपाउंड के बॉस्को स्कूल के पास का ये नाला देख सकते हैं कि पूरा खचाखच भरा हुआ है। मनपा कमिश्नर का दौरा भी हुआ मगर बाहर बाहर से ही कुछ नाले दिखाकर काम तमाम कर दिया गया। असलियत ये है कि करोड़ों रुपये के टेंडर पास होने के बावजूद भी मुंब्रा कौसा के नालों की अभी तक साफ सफाई ज़्यादातर नहीं हुई है। और उसी में एक नाला बॉस्को स्कूल के पास का भी है जो मुंब्रा बाईपास से चरनीपाड़ा पापा का नाका होते हुए ये नाला गया है। इस नाले की साफ सफाई अगर नहीं होगी तो लोगों के घरों में पानी भरने का डर बना हुआ है। इस नाले में आप देख सकते हैं कि कचरों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक कि एक टूटी हुई इमारत का मलबा भी इसी नाले में गिरा हुआ है। यहाँ के वोटर भी इतने मासूम है कि इनके इलाके का कौन नगर सेवक था उनको पता ही नहीं है कि किससे वो इस नाले की साफ सफाई को लेकर शिकायत करें। हालांकि मनपा का 31 मई तक नाले की साफ सफाई की डेडलाइन थी मगर उसके बावजूद भी अभी तक मुंब्रा कौसा के ऐसे कई नाले हैं जहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। एक बात और आपको बता दें कि आपके द्वारा जो वोट लेकर नगर सेवक बनते हैं उनको भी नहीं पड़ी है कि आपके इलाके का नाला साफ हुआ है या नहीं साफ हुआ है, वो भी लापरवाही दिखाते हैं। बहरहाल अभी ये अलग बात है कि किसी के पास नगर सेवक का पद अभी फिलहाल नहीं है। लोग आरिफ चौल में रहते हैं चन्नीपाड़े की तरफ। ये जो नाला आप पीछे देख रहे हैं इसकी पूरी साफ सफाई नहीं होती है, नाला पूरा भर जाता है बारिश में ज़्यादा होने की वजह से, तो चालियों में घर में पूरे पानी भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तकलीफ होती है और हम लोगों को भी नहीं, हम लोग ऊपर रहते हैं लेकिन फिर भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हमारे भी छोटे बच्चे आने जाने में तकलीफ होती है, पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं इससे और हम लोगों को खुद लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, जो यहाँ के नगर सेवक है कौन कौन है? कुछ नहीं करता, लोगों से बोले कि इधर का नाला साफ सफाई नहीं हुआ है? अरे आते सब देख कर जाते, करता कोई कुछ नहीं। कौन कौन है नगर सेवक इधर का मालूम है कुछ? नाम पता नहीं बता है, बस इतना है कि आते हैं देख कर जाते हैं। इसके पहले भी एक न्यूज वाले आए थे, अश्विन इब्राहिम राउत करके है इधर बाजार में, कौसा बाजार में, लेकिन आते हैं सब ऐसे सर्वे करके जाते हैं नाला साफ होगा ये होगा वो होगा लेकिन कुछ फैसिलिटी मिलती नहीं है क्या, और आते हैं तो ऐसा भर जाता है पूरा पूरा सबके घरों घरों में इतना इतना पैर पैर तक का पानी होता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है क्या। मकान मालिक कोई बोलते हैं तो बोलते रहने कह रहो वरना खाली कर दो। अच्छा, ये अभी पूरा भरा हुआ है यहाँ से लेकिन वहाँ तक का नाला तक का पूरा भरा हुआ है, ये अभी तक यहाँ पर साफ करने आए थे या नहीं आए? अभी तो जब से बारिश लगी है तो नहीं आए हैं लेकिन इससे पहले गए में आए थे, पिछले साल आए थे ना, पिछले अभी साल में आए थे, ये साल में नहीं आए हुए अभी तक का। ऐसे ही भरा हुआ है? ऐसे ही भरा हुआ है, कोई ना आ नहीं रहा है, कोई भी नहीं आया। इधर इतना पानी भरता है, इतनी प्रॉब्लम है नीचे की पूछो मत। क्या परेशानी क्या? बस वही पानी भरता है। कहाँ तक पानी भरता है? बहुत अच्छा खासा कम्बर कम्बर तक रूमों में भर जाता है। अगर ये नाला साफ हो जाएगा तो उसके बावजूद भी पानी नहीं, फिर उसके बाद तो इंशाल्लाह शायद नहीं दिक्कत होगी। तो आप लोग ये सब शिकायतें लेके जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उनके पास क्यों नहीं जाते हो आप लोग? नहीं, हम लोग ऐसा कभी गए नहीं, उस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं हमने। तो आपको बोलना चाहिए ना, जाना चाहिए ना कि यहाँ का नाला भाई क्यों नहीं साफ हो रहा है, क्या हम लोग वोट नहीं देते क्या? आपको पूछने का ना उनसे, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं और गए भी नहीं। यहाँ के रूम में वोट लेने आते ना जो लोग रहते तो उनसे पूछने का ना, आप तुम्हारा काम पड़ा है तो तुम क्यों नहीं जाते उनके पास? हाँ ये तो है, और वैसे भी जाके भी सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि जाएंगे भी तो वो लोग कुछ इतना एक्शन लेते नहीं, जाओ जाओ हो जाएगा, जाओ जाओ हो जाएगा, इससे पहले भी तो इससे इसके लिए हम लोग कुछ जाते भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, माँ बाप नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं करते तो लापरवाही की तो कोई बात ही नहीं है होती है ना, जब सुनवाई नहीं करते तो लापरवाही की कोई बात ही नहीं आती है। इसके लिए हम लोग कुछ इतना ध्यान भी नहीं देते, जैसा रहने का वैसा रहो, तकलीफ हो रही तो भी रूम मालिक को बोलेंगे, रूम मालिक भी इतना कुछ करते नहीं है, एक ही बात करते हैं कि अभी सब रह रहे ना तो फिर इसके लिए हमको भी मजबूरी में रहना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास तो इतना कुछ बैलेंस नहीं है कि हम जाके दूसरे बाजू रह सके, क्यों हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम सारी फैसिलिटी को जो है वो कर सके।